The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. कई लोगों के पीठ के स्पाइन के एक्सरे में लिखा आता है डीजनरेटिव चेंजेस इन द स्पाइन. आपको स्पाइन में कोई L4, L5, L3, L2, L5, L4 या कोई भी लेग सेगमेंट में, कभी ऊपर, कभी सर्वाइकल सेगमेंट्स में, कभी नेक के पीछे, कभी लोअर स्पाइन में डीजनरेटिव चेंजेस लिखा आया. तो क्या है वो चीज़? वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है. जी हाँ, आपके स्पाइन के अंदर डीजनरेटिव यानी कि वेयर एंड टेयर हो रहा है और रिकवरी नहीं हो रही. यंग एज में ऑस्टियो यानी आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं अगर आपको सिवियर बोन में कैल्शियम विटामिन ऑस्टियोपीनिया, हड्डियों में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, ऐसी बीमारियों से. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस. वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द डिटेल्ड पार्ट, राइट. और डॉक्टर इसको डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज या डीजनरेटिव आर्थराइटिस भी कह सकते हैं. आर्थराइटिस स्पाइन में ज़्यादातर होता है या तो नेक में या लोअर बैक में, और उम्र के साथ ये आपके डिस्क को, आपके जॉइंट के बीच की डिस्क को है, उसको सॉफ्ट करता जाता है. सॉफ्ट कुशन जो डिस्क है वो क्या होता है, वो ड्राई होता जाता है, वो श्रिंक होता जाता है, और ये जो आपकी जो स्पेस है वो नैरो होती जाती है. वर्टिब्राज भी एक स्पेस होती है वर्टिब्राज के बीच में, वो नैरो होकर छोटी छोटी होती जाती है और उसके बीच में बोन स्पर डेवलप होने लगते हैं, सेम लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस. सो ग्रेजुअली यहाँ पर स्टिफनेस आएगा, ग्रेजुअली वहाँ पर बोन का स्ट्रक्चर खराब होगा, ग्रेजुअली स्पाइन जो है वो स्टिफ होती जाएगी, हिलाने में मुश्किल होती जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी उसकी लूज होती जाएगी. सो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी लूज होती जाएगी और कुछ केसेस में बोन्स पर स्पाइन के जो अंदर से नर्व्स निकल रही है उनको पिंच कर सकते हैं, उनको पोक कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं और वो बोन्स पर आपको ऐसे खूंखार पेन देंगे. पैर से कभी नीचे पेन जा रहा है, कभी पीठ में ही पेन है, कभी लोकल पॉइंट पे पेन है, कभी पूरा शियाटिका है पैर से सीधा नीचे नीचे जा रहा है. तो शियाटिका मींस लोअर बैक से पेन पैर तक जा रहा है, उसे कहते हैं शियाटिका, बिकॉज वहाँ से निकलती है शियाटिक नर्व और इस नर्व पे इम्पिंजमेंट यानी दबने से आपको होता है शियाटिका पेन. ऐसे में आपको MRI कराना होगा स्पाइन का, जिससे पता चलेगा क्यों और कितनी दब रही है आपकी नस, आपके डिस्क प्रोलैप्स है या एक आधा कोई बोन एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते, बोन स्पर बन रहा है, राइट. सो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपके डॉक्टर आपका एक्सरे के साथ MRI करा के डायग्नोस करेंगे और एक ट्रीटमेंट प्लान, आपको मैनेजमेंट प्लान बना के देंगे जिसमें ना सिर्फ कुछ दवाइयाँ होंगी, कुछ एक्सरसाइज रूटीन होंगी और रेगुलर मेजरमेंट होंगे, आपके रेगुलर मेजर्स होंगे आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के, पीठ की एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, ब्रेसेस, बेल्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और कई बार आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास भी भेजा जा सकता है. यंग एज में अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इट्स पॉसिबल कि आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक आर्थराइटिस हो रहा हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा हो. यंग मिडिल एज में ऐसा होने के चांसेस होता है तो आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ सकता है चेकअप के लिए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन के पास जाना पड़ सकता है छोटे मोटे प्रोसीजर्स के लिए, उसमें स्पाइन को जोड़ा जा सकता है. जैसा हमने आपको बताया था, जब कभी यार बहुत ज़्यादा घर्षण से सूजन होती है तो ऑपरेशन में स्पाइन को जोड़ सकते हैं, जिसको कहते हैं आर्थ्रोडेसिस. आर्थ्रोडेसिस मीन्स सर्जिकल फ्यूजन ऑफ द बोन्स, ऑफन डन इन द स्पाइन. सो आर्थ्रोडेसिस, या फिर आपका डिस्क अगर हर्निएटेड है, हर्निएटेड पार्ट निकाला जा सकता है डिस्क का जो कि पोक कर रहा है, या स्पर है, स्पर पोक कर रहा है, स्पर को निकाला जा सकता है ताकि आपके नसों के ऊपर से दबाव हट जाए. और अगर नस खराब हो गई है तो नस को इंजेक्शन देके सुन किया जा सकता है कि नस दर्द करना बंद करे. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन बाय एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. और फिजिकल थेरेपी फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको बाकी सारे अल्ट्रासाउंड और ये वो और एक्सरसाइजेस सिखाई जाएगी इसके साथ जीने के लिए. डीजनरेटिव स्पाइन डिजीज इज ऑल्सो ऑस्टियोआर्थराइटिस. सो आपको अपना विटामिन डी, B12, कैल्शियम चेक करना है और जॉइंट के प्रोटेक्शन के लिए सप्लीमेंट्स लेने होंगे.
ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, MSM, कोलेजिन टाइप 2, यूनिवेस्टिन, ये सारे सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, B12, ये सब आपको चाहिए. मेक श्योर टू हैव अ क्लियर कन्वर्सेशन विथ योर डॉक्टर्स कि भाई आपके केस में बीमारी क्या है, ठीक कैसे होनी है. नहीं पता तो पूछो, और पता है तो आगे बढ़ो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे अवे.